So hey everybody, welcome back to my channel Repeat Math 365. It's me, Sonia Rathore. First of all guys, happy Diwali to all of you. Staying safe at your home guys, wherever you are. I hope aap log ki Diwali achhi jaye. Please patake mat jalana, please jitna ho sake utna avoid kijiye in sab cheezon ko. Ho sake to agar ye video Diwali se pehle aa rahi hai, agar aapne apne ghar ki shopping abhi nahi kari hai, so I request you, aapko jitni bhi Diwali ki lighting ki jitni bhi decoration ki shopping hoti hai, wo aap स्ट्रीट मार्केट से कीजिए. सो कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो गाइज, टुडे आई एम गोना शो यू माई दिवाली मेकअप लुक. एंड गाइज, इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड बहुत ज़्यादा पार्टी टाइप वाला मेकअप करने वाली हूँ, सो गाइज आई एम रियली सॉरी, मैं वो मेकअप नहीं करने वाली हूँ बिकॉज आई एम अ बिगिनर. येस, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत पहले, आई थिंक बहुत पहले आप लोगों के सामने ही करते हुए की वीडियो डाली थी. येस, मैंने उस टाइम पहली बार मेकअप करा था, उसका लिंक मैं आई बटन पर दूंगी, आप ज़रूर देख के आना. वो डिज़ास्टर था लाइक मेरी लाइफ का. एंड उस मेकअप वीडियो के बाद से मैंने एक भी मेकअप वीडियो नहीं डाली है. ये आई थिंक सेकेंड वीडियो होगी जब मैं अच्छे से मेकअप करूँगी. बिगिनर हूँ बट मुझे स्टिल अभी काफ़ी अच्छा खासा मेकअप आता है करना. सो आई एम वेरी एक्साइटेड गाइज. और इस दिवाली हम सब लोग लाइक रिलेटिव्स के घर नहीं जा पाएंगे, ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर पाएंगे, सो हमारी फैमिली ने डिसाइड करा कि हम ना कहीं जाएंगे, ना किसी को इन्वाइट करेंगे सैडली. तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस दिवाली मैं आप लोगों के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करूँ. मुझे 1.5 साल हो गया यूट्यूब पे, बट मैंने दिवाली से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं डाली है मेरे यूट्यूब चैनल पे. दिस इज़ गोना बी माय वेरी फर्स्ट दिवाली मेकअप लुक. वन मोर थिंग गाइज, जो ये मेरी ड्रेस अभी पहनी हुई है मेरी इस वीडियो के लिए, दिस इज़ अ वेरी प्रिटी ड्रेस गाइज, एज यू कैन सी. तो मैं पूरा ओवरऑल लुक मैं आपको देने वाली हूँ दिवाली के बाद आने वाले मेरे सरोजिनी नगर व्लॉग प्लस ट्राई ऑन में. येस, ये वाली ड्रेस जो है मैंने सरोजिनी नगर से खरीदी है. आई थॉट कि यार मेरा बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा वॉमी सा है, दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं ये वाली ड्रेस पहन लेती हूँ. एंड इट्स लुक सो अमेजिंग कि मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा गट लगते हैं कैमरे के सामने बैठ के मेकअप करना. आई रियली अप्रिशिएट दोज गर्ल्स जो मेकअप वीडियो करती हैं. इट वॉज सो डिफिकल्ट टू मेक अ वीडियो लाइक मेकअप वीडियो. सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं अपना मेकअप करने वाली हूँ एंड जो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी उस सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगी, आप वहां से जाके ये प्रोडक्ट देख सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो अगर फर्स्ट थिंग, मैंने अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करा है, अभी मैंने लिप बाम अप्लाई करा हुआ है. फर्स्ट थिंग आई एम यूजिंग स्वैगर्स. आई एम डन विद माई फेस लोशन. फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस कलर बार फाउंडेशन. इट इज़ सुपर डुपर अमेजिंग फाउंडेशन. दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, बट मेरी थोड़ी ऑयली स्किन है तो भी ये बहुत अच्छे से काम करता है. मैंने रिसेंटली बाय करा है एंड इससे मुझे बहुत अच्छे से इम्प्रेस करा है गाइस. इट इज़ ऑल्सो अबाउट के अगर आपको लास्ट मिनट पे अगर आपको मेकअप करना है तो मतलब बहुत जल्दी आप मेकअप कैसे कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू बिकॉज मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट स्टिल जब भी मैं मेकअप करती हूँ मेरा आई थिंक बहुत जल्दी मेकअप हो जाता है. एंड ये जो फाउंडेशन है गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा कम अप्लाई करना पड़ता है आपको. डोंट फॉरगेट योर नेक गाइज, लाइक प्लीज़ इसको भी उतनी इज्जत दो जितनी आप अपने फेस को दे रहे हो. इफ यू आर थिंकिंग विच फाउंडेशन ब्रश आई एम यूजिंग राइट नाउ, इट इज़ फ्रॉम जेलिन USA. इसके ब्रिसल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं. आई थिंक आई एम डन विद माई बेस गाइस. दिस हुडा ब्यूटी पैलेट, इट्स अ डिजर्ट डस्ट पैलेट. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पैलेट गाइज. इसमें बहुत सारे आपको मेटैलिक कलर के शेड मिल जाएंगे विच इज़ सो ब्यूटीफुल. आई एम यूजिंग दिस वन फॉर माई बेस एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वन एंड लेट्स सी. फेस के लिए जो मैं ब्रश अभी यूज़ करने वाली हूँ ये कोई ब्रांड का नहीं है. सो ये वाला जो आई शेडो ब्रश है ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा था गाइज. ये मुझे ब्रशेस पड़े थे आई थिंक 599 के गाइज. ये वाला ब्रश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये चीप भी है एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो
सो गाइज मैं सेकेंड शेड जो यूज़ करने वाली हूँ विच इज़ दिस वन एम्बर। एम्बर वाला शेड अपना अप्लाई करा है जो कि थोड़ा सा नॉट काइंड ऑफ थोड़ा ब्राउनिश थोड़ा पीची टाइप है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। एंड मैंने थोड़ा इसको फैला के लगाया है बिकॉज आई थिंक कि मेरे को अभी इसमें थोड़ा एड ऑन करने हैं शेड्स, तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा रहेगा जो मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करने वाली हूँ विच इज़ दिस वन सैफ्रॉन। एंड आई एम गोना चेंज माई ब्रश, सो आई एम गोना यूज़ दिस वन। मैंने अमेजोन से ऑर्डर करे थे उनमें से ही एक है द रीज़न वाई आई एम यूजिंग दिस ब्रश फॉर माई आउटर कॉर्नर बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, इसका जो ब्रश है वो थोड़े स्ट्रेट हैं जो कि मुझे जहाँ पे भी अप्लाई करना है वहाँ पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा इजी होगा। एंड ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है गाइस, बहुत अच्छे ब्रिजल्स हैं इसके एंड आई रियली लाइक दिस वन। वेयर इज़ द फोकस डूड, एंड आई थिंक ये दोनों शेड काफ़ी सिमिलर हैं बट इसमें थोड़ा सा डार्क शेड आता है जो कि मैं यहाँ पे अभी और अप्लाई करने वाली हूँ बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मैं थोड़ा बीच में ग्लिटर डालने वाली हूँ जिससे थोड़ा सा फेस्टिव सीज़न टाइप का लुक आने वाला है। अगर फेस्टिव सीज़न नहीं होता तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती। सो या गाइस शेड बिकॉज ये काफ़ी सिमिलर है एंड पता भी नहीं चलेगा बट थोड़ा सा डार्कन टोन आ रहा है इस शेड में सैफ्रॉन में। दोनों को मर्ज करना इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दोनों अलग अलग ना शेड लगे एंड एज यू कैन सी पता नहीं चल रहा कि कौन सा शेड कौन सा था बट थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है कि थोड़ा सा डार्क यहाँ पे है एंड देन अंदर थोड़ा सा लाइटन है। सो दिस इज़ रियली व्हाट आई वांट एंड नाउ आई एम यूजिंग माय बेस्ट ब्रश इन द होल वर्ल्ड विच इज़ माय फिंगर गाइस। आई थिंक आपके हाथ बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, आपको ज़्यादा ब्रशेज की नीड नहीं है, फिंगर ही आपका काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। सो आई एम गोना अप्लाई नेफर्टिटी शेड, दिस इज लुक सो अमेजिंग। सो आई गेस मैंने अप्लाई कर लिया है मेरा ये वाला शिमरी शेड नेफर्टिटी एंड इट्स लुक सो अमेजिंग। एंड गाइज मैं आईलाइनर नहीं लगाने वाली हूँ बिकॉज आईलाइनर लगाने से ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा विच इज़ आई डोंट प्रिफर फॉर माई फेस बिकॉज मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं अप्लाई करती हूँ। सो आई एम गोना अप्लाई ओनली मस्कारा ऑन इट एंड देन इन द एंड आई एम गोना अप्लाई काजल बिकॉज काजल के बिना मेरा गुजारा नहीं चलता है, आई एम अ काजल पर्सन गाइज। आई एम गोना अप्लाई फेसिस कैनेडा मस्कारा एंड गाइज आई एम नॉट गोना यूज़ आई लैशेज, मैंने आज तक आई लैशेज नहीं लगाई हैं। नो आपको थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में कि मैं अच्छे से मेकअप भी कर रही हूँ, जो चीज़ आपको कंफर्टेबल करती है मेकअप करते करते सो आई थिंक आपको वही करना चाहिए। फॉर कंसीलिंग माई फेस आई एम यूजिंग दिस मेबलिन कंसीलर लाइक अ वेरी अच्छा खासा अमाउंट। मैं जब भी कंसीलर ऐसे अप्लाई करती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं आदिवासी हो गई हूँ। आई एम यूजिंग माई फिंगर फर्स्ट, सो आई गेस आई एम डन विद माई कंसीलर टू। फॉर कॉन्टूरिंग माई फेस using this brush, this is from pack 237 इसका number है this one and this is a very good contouring brush, I really love this one। वेन एवर यू आर कॉन्टोरिंग योर फेस लाइक ऐसा नहीं कि आप एकदम लाइन बना लो अपने फेस पे कि वो अलग से ही लगे, यहाँ से करते करते आप थोड़ा सा इसको ऊपर वाली साइड में अगर आप ले जाओगे जब आपका ये बहुत अच्छे से ये वाला साइड आपका बहुत अच्छे से निकल के आएगा जस्ट लाइक ऐसे, ये करने से वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ब्रश ये नोज़ भी बहुत अच्छे से कॉन्टोर करता है लाइक इसके जो एजेस हैं ये वाले साइड के बहुत अच्छे से आपका कंटूर कर देता है आपका नोज़।
जब भी आप कॉन्टूर करो अपना नोज़ आईब्रो की साइड से थोड़ा सा धीरे धीरे से लाके, देन आप यहाँ पे अपना नोज़ कॉन्टूर करो, तो आपको बहुत रियल लुक आता है उससे। सो गाइस, अब मैं करने वाली हूँ अपना ब्लश। आई एम यूजिंग दिस शुगर फेस पैलेट, वेरी 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 गुड पैलेट। इफ़ यू आर अ बिगिनर गाइस, आपको ये ज़रूर ज़रूर खरीद लेना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड ये आपका कॉन्टूर है गाइस, एंड दिस वन इज़ योर हाईलाइटर, एंड दिस वन इज़ योर ब्लश। सो गाइज, फॉर ब्लश आई एम यूजिंग दिस पैक। मैं जब मेरे पास जैकलिन का फाउंडेशन ब्रश नहीं था, तब मैं यही यूज़ करती थी। ये मेरे काफ़ी काम आया है, ये मेरे फाउंडेशन काम आया है, ये मेरे कंसील के काम आया है, एंड ये मेरे ब्लश के भी आ जाता है। आई थिंक अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक अच्छे ब्रश में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप इस ब्रश के साथ जा सकते हो गाइज। ये पैक का 2-3-1 बहुत सारे काम आ सकता है, एक ब्रश आपके 3-4 काम आ सकता है, इससे आप हाईलाइटर भी अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस, कभी भी आप ब्लश यूज़ करो तो आप अपने कॉन्टूर तक लेके जाओ उसको। सो आई गाइस, आई एम डन विद माय ब्लश, इट्स लुक सो अमेजिंग। तो अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ काजल, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई एम यूजिंग लैक्मे आइकॉनिक काजल। अभी मैं बहुत सारा अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, मैं हाफ ही उस पर अप्लाई करने वाली हूँ। वो अमेजोन से जो मैंने ऑर्डर करा था, उसी के साथ ही आया था। हाइलाइटर के ब्रशेज होते हैं, फैन ब्रश होते हैं, उसके टाइप का है। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस ब्रश। आई एम यूजिंग द सेम पैलेट गाइस। So guys, I'm done with my highlighter. Using my very very favorite lipstick. This is from Maybelline New York Lip Gradation and it is my favorite lipstick. As you can see, this lipstick is OMG. This is my favorite lipstick, guys. मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा सूट होती है। मैंने लिपस्टिक के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, जो कि आपको आई बटन पर हाँ मिल जाएगी, जस्ट टच दिस लिंक। बट आई थिंक मुझे इस पर थोड़ा सा शिमर अप्लाई कर लेना चाहिए, तो मैं ये वाली लिपस्टिक का बिल्कुल लाइक टच यूज़ करने वाली हूँ अपनी लिप्स पे। सो गाइस, आई एम डन विद माय मेकअप। सो आई गाइस, आई होप यू रियली इंजॉय दिस लुक। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये लुक। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा है। सो या गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन डू सब्सक्राइब टू योर ओन यूट्यूब चैनल व्हिच इज रिपीट मैथ 365। हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली।